बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है खोटा सिक्का। सिक्का जानते हो? सिक्का का मतलब होता है पैसा, यानी कॉइन। आपने खोटा सिक्का यानी कि वो कॉइन्स जो अब चलते नहीं हैं, यानी कि जिसको आप मार्केट में आप चला नहीं सकते, उसको कहते हैं खोटा सिक्का। तो खोटा सिक्का की मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। वो क्या कहानी है? और खोटा सिक्का सिर्फ सिक्का ही नहीं होता, उस बात को किसके लिए और कैसे प्रयोग किया जा सकता है, ये भी आप इस कहानी में समझेंगे। मेरी भी क्या अजीब आदत है, जब भी कभी बॉक्स खोलती हूँ तो नानी माँ का दिया बटुआ जरूर टटोल लेती हूँ। उसमें उनकी दी हुई कुछ मोहरें हैं, गिन्नी भी हैं, देश विदेश के सिक्के भी हैं, चांदी के रुपए हैं, कुछ जॉर्ज पंचम के, कुछ क्वीन विक्टोरिया के, कुछ आधुनिक गणेश लक्ष्मी के भी हैं। उनमें एक खोटा सिक्का भी है। पता नहीं वह मुझे कब और कहाँ से मिला था, किसी ने दिया याद नहीं, लेकिन वह इन सभी सिक्कों के बीच विराजमान है। जानती हूँ वह कभी नहीं चलेगा, लेकिन उसे फेंका नहीं, शायद कभी काम आ जाए। उसके पीछे यही भाव रहा होगा। सभी जानते हैं कि यह कभी नहीं चलेगा, मैं भी जानती हूँ, लेकिन उसे फेंक नहीं पाई। कहावत है, अपने पर खोटा सिक्का ही काम आता है। पता नहीं यह कहावत अनुभव से उपजी है या जरूरत से या लोभ से, जो भी रहा हो, खोटा सिक्का ही सही सिक्का तो है। एक लड़की का सपना बचपन से ही घर सजाने और संवारने का रहता है। छोटी होती है तभी गुड्डे गुड़ियों के साथ अपने मनोभावों को दिखाने लगती है, चाहे वह कपड़े की बनी सहज गुड़िया हो या बार्बी डॉल हो। उनमें घर परिवार का खेल शुरू हो जाता है। खाना बनाना, बच्चे पालना, शादी रचाना आदि सब शामिल हो जाते हैं। धीरे धीरे आयु बढ़ती है और युवावस्था आ जाती है। युवावस्था का वरदान सपनों को, अरमानों को पूर्ण करने की अवस्था। शादी हुई, माँ बनने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ, चार प्यारे प्यारे से बेटे, बेटी की चाहत ने घर बेटों से भर दिया। और बेटों से भी क्या, कभी किसी का दिल भरा है? तुलसीदास जी ने कहा है, सुत बित लोक ईश नातिनी, केहि की मत इन कृत न मलिनी। बच्चे बड़े होते गए, अपनी अपनी कक्षाओं में अच्छे नंबरों से पास होते रहे। छोटा बेटा वह सब ना कर सका जो बड़ों ने किया। पता नहीं सबके लाड़ प्यार ने, उसकी जिद ने, या जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाने की त्रासदी ने उसे कमजोर बना दिया। माँ का दिल तो होता ही कमजोर है, इस कमजोर बच्चे की ओर झुकता ही चला गया, और बच्चा माँ की इस कमजोरी को पकड़ अपने आप को मजबूत बनाता गया। समय का चक्र चलता रहा, गृहस्थी की गाड़ी आगे बढ़ती रही। घरौंदों में रहने वाले चूजे पंख फड़फड़ाना ही नहीं सीखे, अनंत गगन की ऊंचाइयों को छूने का हौसला भरने लगे। काबिलियत और मेहनत ने वह रंग दिखाया कि सपने परवान चढ़ने लगे। श्रेष्ठ अध्यापकों का साथ पाकर बच्चे ऊंचाइयों को छूने लगे। हर कोई तीनों बच्चों की तारीफ करता तो हमारा सीना गर्व से फूल जाता, मस्तक ऊंचा हो जाता, आंखों में चमक आ जाती, सामाजिक दायरे बढ़ने लगे, अलग सी हैसियत बनने लगी, आसपास के लोग मिलने आने लगे। आपका बच्चा कैसे पढ़ता है, कब तक पढ़ता है, कैसे तैयारी करता है, क्या खिलाते हैं, कब उठता है, कब सोता है, आदि जिज्ञासाएं उन्हें हमारे पास खींच लाती और हम कोहिनूर अपने पास होने का गर्व महसूस करते। लेकिन जब चौथे की बात होती तो हमारी आंखें झुक जाती, लगता धरती फट जाए और हम उसमें समा जाएं। शर्म से कुछ कहा न जाता, अपराधी न होते हुए भी अपराध भावना से भर जाती, मासूम बच्चा भी हीन भावना से भर जाता। कुछ दिन तो दिन रात मेहनत करता, लेकिन थोड़े ही दिन बाद ही पुराने ढर्रे पर आ जाता, फिर वही कहानी शुरू हो जाती। होनहार बच्चों ने अपनी मेहनत से न सिर्फ अपनी धरती पर वरन सात समुद्र पार भी अपनी योग्यता के परचम फहरा दिए, अपने लिए उपयुक्त जगह बना ली। दो बेटे विदेश में बस गए, वहीं के रंग में रंग गए, वहाँ की हवा पानी, खाना पीना, रहन सहन, भाषा संस्कृति सब रास आ गए, वे वहीं के होकर रह गए। 8-10 साल में कभी चक्कर लगा लेते हैं, अपने पुराने दिन याद करते हैं, हंसते हैं, खिलखिलाते हैं और हमें सिसकते छोड़ चले जाते हैं, दे जाते हैं पुनः मिलने का आश्वासन
और कष्टप्रद इंतजार। एक बेटा मुंबई के सुपर फास्ट जिंदगी जीने लगा है, ऐसी भागम भाग की जिंदगी कि कभी लगता है कि हम जिंदगी के पीछे दौड़ रहे हैं, कभी लगता है जैसे जिंदगी हमारे पीछे दौड़ रही है। रह गए अपने स्थान पर हम और हमारा बुढ़ापा और बुढ़ापे का सहारा, वह बच्चा जो हमें गर्व से नहीं हीन भावना से भरता रहा, आज वही हमारा संबल है, सहारा है। उसका प्यार आदर, उसका सेवा भाव हमें अभिभूत कर देता है। आज इसी बच्चे पर गर्व करने को जी चाहता है जिसे कभी इस काबिल नहीं समझा। वह आज के युग का श्रवण कुमार है जो अपने माता पिता का पूर्ण ध्यान रखता है, खुद परेशान हो लेता है लेकिन माता पिता को परेशान नहीं होने देता। उसको हमारी देखभाल करते देख लोग फप्तियाँ कसते हैं, अबरे पर खोटा सिक्का ही काम आता है। उन्हें क्या मालूम कि यह खोटा सिक्का नहीं, यह तो कोई नूर है जिसे परखने के लिए पार की नज़र चाहिए। कभी कमाई हमारा अनुभव, हमारी नज़र, हमारा प्यार परखने में गलती कर बैठता है। जिस चमक के पीछे हम भागते हैं वह मृग तृष्णा के समान भ्रम होता है। सामाजिक चमक की माया ऐसी होती है जैसे काले घनघोर बादल सूर्य के प्रखर प्रकाश को भी ढक लेते हैं, लेकिन छट जाने पर उसका प्रकाश और भी मोहक हो जाता है। भ्रम का पर्दा हटने पर प्रेम की वर्षा होती है, लेकिन माया का पर्दा हटना सहज नहीं होता। समाज का, परिवार का, बुढ़ापे का अंतिम सत्य बंटवारा, सारी धन दौलत का बंटवारा, सब कुछ बट गया, चल अचल संपत्ति, धन दौलत, रुपए पैसे सब। यह पुत्र हमारे हिस्से आया, यह कहिए उसने हमें चुना, क्योंकि किसी ने मकान लिया, किसी ने दुकान, किसी ने गहने लिए तो किसी ने जमीन, सब अपने तरीके से खुश थे। कोई क्या जाने कि मैं इसे पाकर धन्य हो गई। इसलिए नहीं कि वह सेवा करता है, बल्कि इसलिए कि वह हमें निश्चल मन से, निस्वार्थ भावना से प्यार करता है। उसे धन दौलत नहीं, माता पिता चाहिए। नानी माँ के दिए बटू में रखा खोटा सिक्का मोहरों के साथ होकर भी सबसे अलग है, सबसे निराला है, क्योंकि सबका मूल्य है वह अमूल्य है। कैसी लगी आपको यह कहानी खोटा सिक्का? तो आप पढ़ें, इसको समझें और मुझे बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी।